हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ बालों के बारे में इस वीडियो में, और बालों के लिए आई एम रियली रियली लाइक वरिड ऑल द टाइम, क्योंकि मैं आजकल अपने बाल बढ़ा रही हूँ। एज यू कैन सी द लेंथ ऑफ माय हेयर इज़ वेरी गुड नाउ, एंड आई रियली वांट सम लॉन्ग लॉन्ग हेयर, लाइक बहुत यहाँ मेरी वेस्ट तक मेरे बाल ऐसे नज़र आए, तो आई रियली वॉन्टेड दैट फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम। सो बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज योर लॉन्ग हेयर। अगर आपके बाल लंबे हैं तो उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। यू नो कि वो बहुत हेयर फॉल होता है एंड काफ़ी ड्राइनेस आ जाती है जैसे जैसे आपका वेदर चेंज हो रहा है एंड विंटर्स आते हैं, तो विंटर में तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है बालों में, बालों का टूटना शुरू हो जाता है। स्पेशली अगर आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराई है, लाइक केराटिन कराई है, आपने स्मूदनिंग कराई है, तो आपके बाल टूटेंगे, गिरेंगे, ड्राई होंगे, और अगर आपने गलती से उसके बाद कलर करवा दिया तो आपके बाल ख़त्म है। क्योंकि आई हैव बीन थ्रू ऑल दीज थिंग्स, लाइक मैंने पहले स्मूदनिंग कराई, उसके बाद मैंने कलर करवा दिया, एंड दैट्स बीन अ हेल ऑफ द टाइम। लाइक मैं उस टाइम से बाहर निकली हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि इतनी ट्रीटमेंट करवाने के बाद तो बाल ख़राब होंगे होंगे। और वो तो टुडे आई वांट टू शेयर अ प्रोडक्ट दैट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर योर हेयर। अगर आपको अगर आपके बाल डल हैं, आपके ड्राई हैं, और अगर आपके हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है और आपको लग रहा है कि आपके बाल कमज़ोर हो गए हैं, तो आई हैव अ प्रोडक्ट फॉर यू। आई हैव दिस प्रोडक्ट कॉल्ड विश केयर, जो कि कहते हैं यू विश वी केयर, तो ये इनकी टैगलाइन है। एंड आई केम अक्रॉस दिस ब्रांड ऑन अमेजोन एंड आई थॉट कि आई शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज द मेन हाईलाइट ऑफ दिस शैम्पू इज फर्मेंटेड राइस वाटर। येस गाइज, फर्मेंटेड राइस वाटर इज समथिंग दैट इज रियली रियली गुड फॉर योर हेयर। तो फर्मेंटेड राइस वाटर बेसिकली होता क्या है, इट इज़ द स्टार्च जो ऊपर तैरता है पानी में चावल को। आप दो तरीके से स्टार्च जो होता है पानी का निकाल सकते हो, लाइक अगर आप चावल भिगो देते हो और उसके बाद जो वाइट स्टार्च जैसा जो ऊपर तैरने लग जाता है उसको कहते हैं, दैट इज़ द मेन हाईलाइट ऑफ द फर्मेंटेड राइस वाटर। और अगर आप बॉयल करते हो, बॉयल करने के बाद जो वाइट स्टार्च ऊपर आ जाता है तैरता है, वो बेसिकली जो राइस वाटर होता है, फर्मेंटेड राइस वाटर उसको कहते हैं। एंड देन आप पूरे चावल छान लोगे और पानी साइड में आ जाएगा, वो होता है फर्मेंटेड राइस वाटर। सो वो बहुत हेल्पफुल होता है आपके बालों के लिए। सो जब फर्मेंटेड राइस वाटर के साथ मुझे कोई एक शैम्पू मिल रहा है, तो आई थॉट मुझे इसी शैम्पू को ट्राई करके देख लेना चाहिए कि ये हेल्पफुल है। इंडियन ब्रांड, सो बेसिकली टू दीज डेज आई एम प्रमोटिंग इंडियन ब्रांड्स, और जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो सारे इंडियन ब्रांड्स ही यूज़ कर रही हूँ, एंड वही कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना, आप लोगों को बताना। बेसिकली दिस प्रोडक्ट इज़ फ्री फ्रॉम सल्फर एंड ऑल द पैराबेन एंड हार्मफुल केमिकल से फ्री है। तो बेसिकली अगर आपके आपने केराटिन स्मूदनिंग करा रखी है, आपको हमेशा ऐसा शैम्पू यूज़ करना चाहिए दैट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द पैराबेन एंड सल्फेट्स। वो आपके बालों को थोड़ा इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, वरना अगर आप केमिकल वाले शैम्पू यूज़ करोगे तो आपके बालों को और ख़राब कर देंगे। ऑल्सो इज स्ट्रेंथन एंड ग्रोथ फॉर्मूला इसमें है, क्योंकि इसमें फर्मेंटेड राइस वाटर है। ऑल्सो दिस जो इसके इंग्रीडियंट्स है दैट इज लाइक सुपर्ब, इट गॉट फर्मेंटेड राइस वाटर, विटामिन ई है, सोया प्रोटीन है, ऑलिव ऑयल है, फेनिग्रिक एक्सट्रैक्ट है, एंड रोजमेरी एक्सट्रैक्ट है, कोकोनट ऑयल है, ऑलमंड ऑयल है। ओह माय गॉड, लुक एट द इंग्रीडियंट्स गाइस, इट इज़ सो गुड। लाइक कैस्टर ऑयल भी है इसमें, so such good ingredients they have. They also said that only 1% of earth water is available for drinking, make every drop of water precious. so बहुत ही environment friendly brand है, जो कि मुझे इसकी brand की बहुत अच्छी लगी। जो packaging है वो भी सारी disposable है, मतलब destroy कर सकते हैं आप उसको, वो environment को बिल्कुल भी harm नहीं करेगी इसकी packaging, that is recyclable है, तो बहुत अच्छी बात है। also the main highlight of this brand is that it got fermented rice water, it is free from sulfate, and इसमें कोई paraben नहीं है, कोई sulfate नहीं है, कोई chemical नहीं है, and इनकी अपनी ऑरिजिनल वेबसाइट भी है जहाँ पे जाके आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हो, वरना ये आपको हर ई कॉमर्स वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप फ्लिपकार्ट पे जाओ, आप अमेजोन पे जाओ, एंड डेफिनेटली अगर आप नॉर्मली सर्च भी करते हो ना गूगल पे, लाइक विश केयर फर्मेंटेड राइस वाटर शैम्पू, तो आपको आराम से मिल जाएगा। एंड ऑल्सो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जितने भी केमिकल फ्री शैम्पूज़ होते हैं उनमें उतनी फोम नहीं होती है जितने हमारे केमिकल वाले शैम्पूज़ में होती है। लाइक बेसिकली अगर आप कोई भी नॉर्मल शैम्पू उठा के देख लो, आपको पता चलेगा कितनी झाग बन रही है, इतनी फोम आ रही है, एंड बहुत मज़ा आता है बाल धोके, बट बेसिकली हम अपने बाल खराब कर रहे होते हैं उसको यूज़ करके। पर जब आप ये वाला शैम्पू लगाओगे आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, आप सोचोगे यार ये नहीं हो रहा है, यार ये नहीं हम यूज़ कर सकते, बट बेसिकली ये फोम नहीं दे रहा है, बट फोम इज़ बिल्डेबल। लाइक हाउ यू बिल्ड इट, आपको थोड़ा सा लगाना है और धीरे धीरे पानी जो है लेके उसको बिल्ड करना है। तो शुरू में जो फोम है बहुत कम आएगी, पर धीरे धीरे जब आपको उसको बालों में ऐसे ऐसे करके मसाज करनी है, तो फोम जो है वो आपके सारे बालों में
फैल जाएगी एंड आपको बाल धो के अच्छा लगेगा। ये इन्होंने लिखा हुआ भी है कि यूज लेस प्रोडक्ट एंड मोर वाटर टू हेल्प एक्टिवेट एंड स्प्रेड द शैम्पू। सो इस पे आप पढ़ लेंगे ध्यान से, आपको पता चल जाएगा। डू नॉट एक्सपेक्ट एज मच एज फोमिंग एज इन हार्श सल्फेट शैम्पूज। सो ये हर केमिकल फ्री शैम्पू में होता है कि ज्यादा फोम नहीं मिलता है, but that is something that you can compromise please if you want good hair and if you want to you know promote the growth of your hair। अगर आप बाल लंबे करने की सोच रहे हो तो ये शैम्पू आपके लिए ज़रूर है, और अगर आपके बाल टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो please go for this। इसके साथ साथ आपको एक इस विश केयर का फर्मेंटराइज वाटर कंडीशनर भी मिलता है। सो कंडीशनर लगाने के बाद यू फील ओके, यू फील लाइक ओके, ज़्यादा ड्राई नहीं है, क्योंकि ये आपके बालों को स्ट्रेंथ करेगा। ग्रोथ बूस्टर जो है वो आपका इस कंडीशनर में आपको मिलेगा, एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम सल्फेट एज द अर्लियर प्रोडक्ट इज। एंड इसके जो इंग्रीडियंट्स है, इट ऑल्सो गॉट फर्मेंटेड राइस वाटर, विटामिन ई, सोया प्रोटीन, ऑलिव ऑयल, फेनोग्रिक सीड्स, द मोस्ट ऑफ द कॉमन इंग्रीडियंट्स इन दोनों में आपको मिल जाएंगे। और जो इसका प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल है, आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, एंड इट इज़ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू यूज़। लाइक इसमें ऊपर लिखा हुआ है लाइक ओपन, एज यू कैन सी यहाँ पे ओपन, यहाँ पे इसके लिखा है वन, एक साइड ओपन है, एक साइड स्टॉप है, तो जब आप यूज़ नहीं कर रहे हो स्टॉप वाली साइड चले जाओ और इसको बंद कर दो तो निकलेगा नहीं प्रोडक्ट। हाँ, अगर इस साइड से जाओगे तो ये ओपन रहेगा, तो बहुत ही कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है एंड इट इज़ रिसाइक्लेबल, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एनवायरमेंट फ्रेंडली ब्रांड है, सो आई रियली लव्ड इट। सो दी अनदर प्रोडक्ट शैम्पू और कंडीशनर के बाद जो प्रोडक्ट मुझे इसके साथ मैंने लिया है, ये है फर्मेंटेड राइस हेयर ऑयल। हेयर ऑयल इज समथिंग मैं काफ़ी टाइम से अवॉइड करती आई हूँ, क्योंकि मुझे लगाने के बाद धोते हुए ऐसा लगता था कि मुझे नानी याद आ गई है, क्योंकि मेरे से नहीं धुलता था एंड मैं ऑयल ही नहीं निकाल पाती थी। बट द काइंड ऑफ हेयर ऑयल दैट दिस वन इज लाइक सीरियसली इट्स वेरी इजी टू यूज, बिकॉज दिस इज फ्री फ्रॉम मिनरल ऑयल, नॉन स्टिकी एंड नॉन ग्रीसी। मैं ऐसा ही ऑयल ढूंढ रही थी जो नॉन स्टिकी हो, नॉन ऑयली हो, क्योंकि मुझे ज़्यादा ऑयली हेयर पसंद ही नहीं है। ऑयल जो बहुत ज़्यादा आपके बालों को एकदम ऑयल कर दे, निचोड़ दे और वो अगले दिन निकालना मेरे बस की बात नहीं है, तो आई डेफिनेटली लव दिस। Also, it is enriched with vitamin E, coconut oil, argan oil and rosemary oil. So, इसके ingredients जो है वो बहुत ही प्यारे ingredients हैं, बहुत ही अच्छे हैं and it will definitely calm and soothe your head। आपको लगाने के बाद बहुत relax feel होगा, और लगाने के लिए जो इसकी ये जो cap है ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इसकी original cap जो है वो ये वाली है as you can see, but इसको निकाल के आप ये लगा सकते हो और easily आप इसको खुद ही अपने बालों में लगा सकते हो, किसी और को आपको हेल्प की जरूरत नहीं है पड़े। इफ़ यू हैव योर लाइक इफ़ आपकी मम्मी आपका हेल्प कर देगी तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी मसाज तो बेस्ट है। द इंग्रीडियंट्स एंड एवरीथिंग अबाउट दिस विश केयर ब्रांड इज रियली गुड, एज यू विश वी केयर। सो आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है देन डेफिनेटली यू कैन बाय द प्रोडक्ट्स ऑन फ्रॉम द लिंक्स डाउन बिलो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग इट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, गिव माई वीडियो थम्स अप। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।